अवैध रेत परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तहसीलदार एवं राजस्व अमले को इस फील्ड पर भेजा गया था और सारे वाहनों को रोक के उनकी रॉयल्टी चेक की गई। किसी के पास भी कोई रॉयल्टी नहीं थी। इसके अलावा ओवरलोडिंग भी उनमें देखने से प्रतीत हो रही थी। तो चूँकि रॉयल्टी नहीं थी इसलिए उनको थाने में ला के खड़ा करा के जब्त की कार्रवाई करनी। कितने डंपर सर? 8 डंपर थे जिसमें से 7 डंपर दोपहर तक आ गए थे थाने। एक हाईवा बचा हुआ था जिसका ड्राइवर चावी लेके भाग गया था। अभी उसको हम लोग स्पॉट पर गए थे और उसको दूसरे ड्राइवर और मिस्त्री के माध्यम से लेके थाने में खड़ा करा दिया। इस तरह से कुल 8 वाहन जो हैं थाने में देवरी में खड़े करा दिए गए। ये सर कहाँ से लेके आ रहे हैं सर ये रेत? अपना उनका कहना ये था कि नरसिंहपुर साइड से कहीं से लेके आ रहे थे जी। अब वो उनको जो है टोल प्लाजा पार करने के पश्चात अपने एरिया में जब आए, जब यहाँ रोक के चेक किया गया, उनके पास भी रॉयल्टी नहीं थी, इस कारण से उनको